हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश और मैं हूँ आज कैची धाम, उत्तराखंड के जिला नैनीताल में कैची धाम है, पावन है। और आप देख रहे हैं कैची धाम, मेरे पीछे मंदिर देखिए आप बैक साइड में, और मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। और शिव धाम की यात्रा करने की बात फिर उनके मार्ग कैची धाम 26 मई और दिन का वजह है 12। जय बनाए रखें और मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो बना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय गुरुदेव। इसी धाम की यात्रा करने के बाद फिर उनके मालिक मार्ग और हाल में ही यहाँ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आए थे, जिनका मुकाबला कुछ सही चला। जय गुरुदेव। देखिए, उत्तराखंड के जिला नैनीताल में कैची धाम पावन धाम, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, दिन शुक्रवार है। जय गुरुदेव। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, वीडियो कॉलिंग और मोबाइल सेवा देते रहे। पावन धाम कैची धाम मंदिर को आप देखिए कितनी भीड़ है, कैची में देखिए। उत्तराखंड के जिला नैनीताल में स्थित हल्द्वानी काठगोदाम से 40 किलोमीटर और नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर पावन धाम कैची धाम, इसी धाम की यात्रा करने के बाद फिर मालिक मार्ग जो है किस्मत बदलने वाला धाम कैची धाम। भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं कितनी उमड़ी हुई है 26 मई कैची धाम पावन धाम। और सिकरा नदी के तट पर बना कैची धाम, आप देख सकते हैं कैची धाम में भीड़ दिन शुक्रवार। पावन धाम कैची धाम साफ मौसम है, सुबह शाम ठंड है यहाँ पर, और कल बरसात हुई थी जिससे मौसम बहुत अच्छा हुआ है। ठंड जय गुरुदेव। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, जय गुरुदेव। आप कर रहे हैं कैची धाम के दर्शन, उत्तराखंड के जिला नैनीताल में स्थित कैची धाम पावन धाम। जय गुरुदेव। पावन धाम कैची धाम शिप्रा नदी के तट पर बना कैची धाम। देखिए शिप्रा नदी पावन धाम कैची धाम, शिव धाम की यात्रा करने के बाद पूर्व के मालिक मार्ग के मालिक कृष्ण बदल धाम कैची धाम। जय गुरुदेव। श्री मनोकामना पूर्ण करें, बार-बार आशीर्वाद देते रहे। सुबह मंदिर खुलने का समय 6:30 बजे, आरती सुबह की जो होती है वो 7 बजे होती है, और शाम मंदिर बंद होता है 7 बजे और आरती होती है शाम को 6:30 बजे। जय गुरुदेव। मंदिर में प्रवेश के बाद जय गुरुदेव।